पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे, और सुनील शेट्टी अन्ना की एक दुकान थी मिस्चिफ करके, तो एक दिन मैं चला गया वहाँ पर। अब महंगी दुकान थी, कुड नॉट अफोर्ड मोर देन वन शर्ट और वन पेयर ऑफ जीन्स, और उस वक्त वो स्टोन वॉश जीन्स आई थी, और मैं बूट्स पहनता हूँ तो वहाँ पर लिसन तो वो स्पर्स आए थे, तो मुझे वो स्पर्स बहुत अच्छे लगे, बट आई कुड नॉट अफोर्ड इट, सो आई जस्ट पिक्ड अप वन पेयर ऑफ जीन्स, एंड सुनील सॉ दैट कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक अपनी तरफ से एक स्टोन वॉश का शर्ट मुझे दिया, एंड देन ही सॉ कि मेरी नज़र स्पर्स पे थी, तो So your father, dude. Sir. तो इनके फादर मुझे इनके घर लेके गए, उनके पास एक जोड़ी स्पर्स की थी और वो भी उन्होंने मुझे दे दी। तो ऐसे बहुत सारे यादें हैं। अब मेरी पिक्चर आई थी मैंने प्यार किया, भाग्यश्री ने डिसाइड कर लिया कि वो काम नहीं कर रही, उनको शादी करना था, वो चली गई। 6 महीने तक मेरे पास कोई पिक्चर नहीं थी, जिनका नाम है रमेश तुरानी। सो माई फादर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक फिल्म इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड गाइड करके दो फिल्म इंडस्ट्री की मैगजीन्स हुआ करती थी, वहां पर उन्होंने 2000 रुपए का एड डाला, रिक्वेस्टेड मिस्टर जीपी सिप्पी कि एक ऐसी फर्जी अनाउंसमेंट कर दो। वो अनाउंसमेंट उन्होंने की, कोई पिक्चर नहीं थी। रमेश जी उनके ऑफिस चले गए और उन्होंने उनको म्यूजिक के लिए उस वक्त 5 लाख रुपए का चेक दिया, और उस 5 लाख रुपए की वजह से मुझे एक पिक्चर मिली पत्थर के फूल। थैंक यू रमेश जी। हमारे यहां पर बोनी जी, बोनी जी हैज हेल्प्ड मी ऑल थ्रू आउट माई लाइफ। जब टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा था तो बोनी जी ने मुझे एक फिल्म दी वॉन्टेड, उसके बाद एक और फिल्म दी नो एंट्री विच गॉट अनिल बैक, थैंक यू भाव फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंसेस। थैंक यू भाव, तो ऐसे ही